हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल शीट में ये डेटा मैंने बना रखा है। अब हमको यहाँ करना क्या है, देखिए गूगल शीट में ये डेटा तो हमने बना लिया है, लेकिन हमको यहाँ पर जो करना है वो ये करना है कि हम इनके एज के हिसाब से इनका स्टेटस जानेंगे, यानी कि ये चाइल्ड है, एडल्ट है या सीनियर सिटीजन है, क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है। यहाँ पर इफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये इफ फॉर्मूला लगा लिया। पहला वाला एज सेलेक्ट कर लीजिए, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 60 से अबव है या 60 के बराबर है तो कॉमा, यहाँ पर ये हो जाएंगे सीनियर सिटीजन। तो यहाँ लिखता हूँ एस ई आर और यहाँ पर लिख देता हूँ सिटीजन, तो कुछ इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा सीनियर सिटीजन। तो बस ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, डबल एडेड कोर्ट्स को क्लोज कीजिए, कॉमा दीजिए। अब फिर इफ लगाता हूँ, यानी नेस्टेड इफ यूज कर रहा हूँ फिर इसमें मैं, और इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो जाए, ठीक है 18 बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, और इस कंडीशन में ये हो जाएंगे अडल्ट, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अडल्ट, ठीक है ये हो गया। अब कॉमा देता हूँ फिर इफ लगाता हूँ, अब अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाए, ठीक है किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाए बॉय, ठीक है ये बॉय हो गए। और फिर यहाँ पर एट लास्ट मैं क्या करूँगा, अब तो कोई कंडीशन देना रह नहीं गया है, एक ही कंडीशन रह गया चाइल्ड का, तो इन सब में से अगर कोई भी कंडीशन मैच ना करती हो तो इस कंडीशन में ये हो जाए चाइल्ड। तो आपको सिंपली ऐसे ही लिख देना है, बस आपका काम हो जाएगा। आप कितने इफ लगाए थे हमने, 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट्स आप क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो बस आपका काम हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर सिटीजन और यहाँ पर बॉय आ रहा है। अगर मैं इनका एज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड बन जाता है, ठीक है ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 88 ईयर्स के हैं तो ये सीनियर सिटीजन आ रहा है। तो ये बहुत आसान है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।